Brought to you by Infinix. इसको लेकर बोला कि आप लोग खत्म कर दें या हमने उठ जाए बोल दिया कि हमें न्याय चाहिए। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से मिलने के लिए बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पहुंची। हालांकि वहां उन्होंने सिर्फ पहलवानों से मुलाकात की और किसी तरह का बयान नहीं दिया। हाल ही में पीटी उषा ने जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता से जोड़ा था और इसकी आलोचना की थी। जंतर मंतर पर पहुंची पीटी उषा ने धरना दे रहे पहलवानों के साथ बैठकर लंबी बातचीत की, लेकिन बातचीत के बाद उन्होंने इस बारे में मीडिया को कुछ नहीं बताया और ना ही कोई बयान जारी किया। जंतर मंतर पर धरने पर पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवान मौजूद हैं। पीटी उषा इन सभी पहलवानों के साथ मंच पर बैठी नजर आईं। हालांकि जब पीटी उषा इन पहलवानों से मिलकर लौटने लगी तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और रास्ता बदलकर जंतर मंतर से निकल गई। इस दौरान धरना दे रहे लोगों में से एक महिला ने उनका विरोध भी किया। पीटी उषा से मुलाकात के बाद पहलवानों की तरफ से बयान जरूर जारी किए गए, जिसमें बजरंग पूनिया ने कहा कि पीटी उषा ने साफ कहा है कि वो इस लड़ाई में पहलवानों के साथ खड़ी हैं और उन्हें न्याय दिलाएंगी। बजरंग ने अपने बयान में कहा, उन्होंने प्रोटेस्ट को लेकर बोला कि आप लोग खत्म कर दें या हमने उठ जाए बोल दिया कि हमें न्याय चाहिए। हमने कोई ना तो हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई है, ना हमारी किसी और से लड़ाई है, चाहे वो पार्टी है विपक्ष है, किसी के साथ हमारा कोई नहीं है। हम सिर्फ कुश्ती के लिए बैठे हैं। अगर कुश्ती में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो एडिकेशन लगे हैं लोगों के ऊपर सीट होने के बाद उनको जो क्या वो सरकार की तरफ से कोई सोल्यूशन लेकर आई थी या वो सब उन्होंने यही बोला कि भाई मैं आपको साथ खड़ी हूँ और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। उन्होंने बोला कि मंत्री को लाएंगे मुलाकात होगी, ऐसा कुछ मंत्री। इस मामले में पीटी उषा का जंतर मंतर पर पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि पीटी उषा ने पहले पहलवानों के जंतर मंतर पर पहुंचने पर कहा था, हमारा एथलेटिक कमीशन है, वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना। तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू अस दे हैव गॉन स्ट्रेट अवे टू स्ट्रीट। नो, इट इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट्स, नॉट ओनली फॉर द रेसिडेंट। इस बयान से आहत होकर पहलवानों ने इस पर पलटवार किया था। बुधवार को भी पीटी उषा के आने से पहले तक बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक पीटी उषा के खिलाफ बोल रहे थे। साक्षी ने बुधवार को पीटी उषा के जंतर मंतर पर पहुंचने से पहले कहा था, हम पीटी उषा और मैरी कॉम जैसे लोगों से कहीं बेहतर हैं। अगर उनके जैसे पूर्व एथलीट हमारा समर्थन नहीं कर रहे तो ये उनके लिए शर्म की बात है। हम नहीं चाहते वो हमारे साथ इस लड़ाई में यहाँ बैठे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो सच कहें और हमारा समर्थन करें। पीटी उषा के जंतर मंतर पर पहुंचकर आश्वासन देने पर भी पहलवान अभी धरना खत्म नहीं करने पर अडिग हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाएंगे ये धरना खत्म नहीं होगा। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विपिन ने। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।